क्या है एज ए इंडियन? देखिए, गैंग रेप कहीं भी हो, ये मानवता के खिलाफ क्राइम है। इसमें राजनीति होनी नहीं चाहिए। कौन किस धर्म का है, कौन किस राज्य का है, गैंग रेप या रेप, इस मेरे ख्याल से इसके लिए हमारे समाज के साथ क्या गलत है, ये समझना पड़ेगा मुझे। और उसके लिए कितनी हार्श पनिशमेंट भी हो, पर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, भले हरियाणा हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गैंग रेप है। उसके लिए कोई धर्म और कोई जात नहीं होनी चाहिए। जब बच्चियों पे हो, बड़े पे हो, हम सब भारतीय सिर्फ कैंडल न उड़ाए, हम एक स्टेप आगे ले और मालूम करें कि क्यों हमारे देश में हो रहा है, एक धब्बा है देश। मैं क्या सोचता हूँ कि हम लोग सजाए मौत भी दें, पर कहीं तो हम ये भूल रहे हैं, जब हम उंगली एक तरफ करें, उंगली हमारे पास तीन है, कुछ तो हमारे समाज से गलत है। हम यहाँ नहीं कहते कि पॉन मत दिखाओ, हम कहते असली फिल्म दिखाओ, और तभी हमारी आबादी 125-130 करोड़ होती है। हमारे में कुछ गलत है जो समाज, हमें क्या होता है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, साइकियाट्रिक जनरल ऑफ इंडिया नहीं होता है। ये देश की कई मानसिकता सटक गई है, युवाओं की मन से सटक गई है, और हम थर्की नेशन हो गए और महा थर्की और क्रिमिनल नेशन हो गए। ये हमें मानना पड़ेगा। जब अपनी गलती मानेंगे एज ए नेशन, भले वो जो गैंग रेप करना है उसका, उसके माँ बाप, उनके फोटो टीवी पे होने चाहिए, उनके स्कूल टीचर, उनके नुक्कड़ के दोस्त, सभी ने आना चाहिए। 8 बजे के बाद घर मत घूमो, बाहर मत जाओ, लड़कों को बोलना है साले 8 बजे तू घर वापस आ जा। जब तक हम लड़कों को नहीं सिखाएंगे ठीक होना, तो लड़कियां कहीं सुरक्षित रहेंगी? और आपके बेटे जो देख रहे हैं वो गुनहगार है, उनका एक्सपोजर नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है, लोग स्कूल अलग होती है। देखिए, हम कहते हैं कि एक अच्छी दुनिया छोड़े अपने बच्चों के लिए, क्यों ना अच्छे बच्चे छोड़े अपनी दुनिया के लिए। थैंक यू सो मच।